नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक शिल्पकार ने बनाया 4 फुट लकड़ी का नंदी बैल, नंदी बैल की कीमत है करीब 2.5 लाख रुपए। नागपुर में उम्र कैद की सजा काट रहे व्यक्ति की स्वाइन फ्लू से मौत, डीयू के पूर्व प्रोफेसर साई बाबा के साथ काट रहा था सजा। और पैर लगने से गुस्से में आकर चलती ट्रेन से युवक को नीचे फेंका, नागपुर पुणे गरीब रथ में चौंकाने वाली घटना। अब खबरें विस्तार से। नागपुर और विदर्भ में पोला उत्सव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है। हालांकि असली क्रेज तान्हा पोला फेस्टिवल है। चूंकि बच्चे कंपनी का सबसे पसंदीदा त्योहार है, इसीलिए माता पिता का उत्साह भी काफी बढ़ गया है। इसलिए लकड़ी के नंदी बैल बेचने वाले बाजारों को भी सजाया जाता है। नागपुर के एक लकड़ी के शिल्पकार ने 4 फुट की लकड़ी का नंदी बैल बनाया है। ठोस लकड़ी से बनी इस नंदी बैल की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। चूंकि ये नंदी अपने सुंदर रूप और नक्काशी के कारण बहुत आकर्षक है, इसलिए इस नंदी बैल को देखने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों नागपुर वासियों का आना शुरू हो गया है। हा बैल एका लाकडाचा तयार केलेला आहे आणि हा बैल एका लाकडाचा तयार केला असून त्याला मिनिमम 3 महिने लागतो, 3 महिने लागतो आणि तो 4x4 लाकूड असतो, 4x4 लाकूड अखंड लाकडामध्ये तयार केलेला आहे। याची किंमत 2,51,000 आहे, ठेवली आहे। त्याच्या मागणीवर त्याची विक्रीवर आहे। त्याची मागणी लोकांमध्ये किती केवढ्याची होते त्याच्यावर आम्ही सोडू त्याला। त्या करोनाच्या काळामध्ये डाऊन होतं त्याच्या, हा त्याची ह्यावेळेस जीएसटीमुळे लाकडाचा भाव वाढलेला आहे। सावन महीने में हिंदुओं के कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें कृष्ण जन्माष्टमी का भी समावेश है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह दही हंडी खेली जाती है और दही हंडी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की 3 दही हंडियों में गोंदिया शहर के सोनझारी समाज के युवकों ने 55,000, 35,000 और 22,000 का पुरस्कार प्राप्त कर गोंदिया जिले का नाम रोशन किया है। माओवाद के साथ संबंध रखने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा के साथ दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की गुरुवार शाम को स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। पुलिस उपाधीक्षक दीपा आगे ने पीटीआई भाषा से कहा कि नागपुर केंद्रीय जेल के कैदी पांडू नरोटे को 20 अगस्त को तेज बुखार था और बाद में उसके स्वाइन फ्लू से पीड़ित होने का पता चला। उन्होंने कहा कि नरोटे की शाम करीब 5 बजे मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उसे यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फेसबुक पर दोस्त बनाने वाली एक युवती ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को वीडियो कॉल किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। इस मामले में अजनी पुलिस ने पायल जोशी नाम की लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक डॉक्टर को पायल जोशी नाम की लड़की का फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और डॉक्टर ने उसे स्वीकार किया। 2-3 दिनों तक दोनों ने फेसबुक पर बातचीत की। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दिए। 20 अगस्त की आधी रात के करीब पायल ने डॉक्टर को मैसेज किया और अश्लील बातें की। पायल ने आधी रात के बाद एक वीडियो कॉल किया। अगले दिन पायल ने डॉक्टर से फोन लेने के लिए 10,000 रुपये की मांग की। बदले में उसने रात में फिर से वीडियो चैट करने का लालच दिया। डॉक्टर ने तुरंत उसके बैंक खाते में 10,000 रुपये जमा करा दिए। इस तरह पायल को यकीन हो गया कि शिकार जाल में फंस गया है। आधी रात को फिर डॉक्टर और पायल ने अश्लील वीडियो कॉल किए। पायल ने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन उसने डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन पर अश्लील वीडियो अपलोड कर दिया। उन्होंने पायल को फ़ोन कर घटना की जानकारी ली। उसने वीडियो डिलीट करने के लिए 50,000 रुपये की मांग की। बदनामी के डर से डॉक्टर ने तुरंत उसके खाते में पैसे जमा करा दिए। 1 घंटे के अंदर पायल ने फिर फ़ोन किया और 1 लाख रुपये की मांग की। डॉक्टर ने उसे मना कर दिया। उसके परिवार के सदस्यों और अन्य डॉक्टरों को अश्लील वीडियो भेजने की धमकी दी तो डरे हुए डॉक्टर ने फौरन उसके खाते में 1 लाख रुपए जमा करा दिए। पायल के पैसे की मांग बढ़ने के बाद डॉक्टर डर गए और तनाव में रहने लगे। डॉक्टर ने अपने एक डॉक्टर दोस्त से 1 लाख रुपए की मांग की तो डॉक्टर के दोस्त ने पैसे देने की तैयारी दिखाई लेकिन कारण भी पूछा। डॉक्टर ने अपने दोस्त को बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया तो डॉक्टर ने अजनी थाने में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने पायल जोशी नाम की युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना। और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आपने बहुत ही मामूली कारणों से झगड़े या झगड़े के कई मामले देखे या सुने होंगे। हालांकि अक्सर ये विवाद इतनी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं कि गंभीर हमले और यहां तक कि हत्याएं भी हो जाती हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला नागपुर से सामने आया है, जिसमें एक यात्री की मामूली वजह से मौत हो गई। इस घटना में पैर में धक्का लगने से ट्रेन में विवाद शुरू हो गया। इस विवाद में एक यात्री ने दूसरे यात्री को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, इसमें यात्री की मौत हो गई है। ये घटना नागपुर के बुट्टी बोरी और गुमगांव स्टेशन के बीच हुई। ये दिल दहला देने वाली घटना गरीब रथ ट्रेन में हुई है। इस घटना में अकोला से नागपुर में उर्स देखने आ रहे यात्री शेख अकबर की मौत हो गई। मृतक के साथ मौजूद साथी यात्रियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संदिग्ध आरोपी शेख अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, इसलिए अकबर और उसके दोस्त कुछ अन्य यात्रियों के साथ जनरल कोच के दरवाजे के पास भीड़ में थे। सुबह करीब 8 बजे जब ट्रेन बुट्टीबोरी के पास आ रही थी, तभी शेख अकबर का पैर एक अन्य युवक को छू गया। इससे शेख अकबर और आरोपी के बीच बहस हो गई। मामूली सी बात को लेकर शुरू हुई बहस इस कदर बढ़ गई कि आरोपियों ने शेख अकबर को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इस घटना में शेख अकबर की मौत हो गई है। हालांकि जब ये सब हो रहा था, अकबर के दोस्तों और वहां मौजूद अन्य लोगों ने चेन खींचकर गाड़ी रोकने या मदद के लिए 139 पर कॉल करने की कोशिश तक नहीं की। अकबर को किसी से मदद नहीं मिली। नागपूर शहरामध्ये ताजिदून बाबा यांचा उर्स सुरू झालेला आहे आणि हा या वर्षी त्या उर्सला 100 वर्ष पूर्ण होत आहे। त्यामुळे मुस्लिम बांधवांमध्ये या उर्सचं महत्व जास्त असल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातून नागपूर शहरामध्ये खूप सारे भाविक मुस्लिम बांधव नागपूर शहरामध्ये विशेषतः रेल्वेने प्रवास करत आहेत आणि रेल्वेचे प्रवासी जास्त झाल्यामुळे प्रवाशांना सर्वांना तिकीट मिळू शकत नाहीये। त्यामुळे खूप साऱ्या ट्रेन ह्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांनी भरलेल्या असल्यामुळे प्रवाशांच्या गर्दीमुळे त्या ठिकाणी प्रवाशांना अडथळा निर्माण होत आहे प्रवास करताना। आणि अशाच प्रकारे काल अकोला येथून सकाळी 5:00 गरीब रथ एक्सप्रेस जी पुण्याहून नागपूरला नेहमी चालते, त्या एक्सप्रेसमध्ये अकोलाहून काही मुस्लिम बांधव नागपूर येथे ताजिद्दीन बाबाच्या दर्ग्याला येण्यासाठी निघालेले होते। आणि त्यावेळेला बुटीबोरी क्रॉस केल्यानंतर जे दोन प्रवासी होते त्यांच्यामध्ये एका मयत इस्माचा नामे शेख अब्दुल शेख अब्बार, वय 26 वर्ष, राहणार अकोला, याचा पाय आरोपी नामे शेख शारिक
शेख अब्बार वय 25 वर्षे राहणार अकोला याला लागला आणि त्या क्षणिक कारणासाठी त्यांच्यामध्ये भांडण झालं आणि त्याने लगेचच त्या याचा राग येऊन त्याला किरकोळ नॉर्मल धक्का दिला. परंतु ट्रेन ज्या वेळेला धावत असते त्यावेळेला ट्रेनचं स्पीड 125 ते 150 किलोमीटर पर आवर असतं आणि या ट्रेनच्या स्पीडमुळे तो ज्या स्पीडने खाली पडला त्यामुळे त्याच्या डोक्याला खूप मोठी जखम झाली आणि जवळपास डोक्याचा अर्धा भाग कापला गेला आणि त्या घटनेमुळे त्याचा त्या ठिकाणी तत्काळ मृत्यू झाला. आणि प्रवाशांची खूप गर्दी असल्यामुळे ह्या आरोपी व्हिक्टिमच्या मित्रांना चेन पुलिंग करता आली नाही किंवा त्यांना त्याचं तेवढं नॉलेज नसल्यामुळे त्यांनी त्याबाबत कुणालाही सांगितलं नाही. परंतु जेव्हा ट्रेन अजनी रेल्वे स्टेशन येथे थांबली त्यावेळेला तिथे GRP आणि RPFचा स्टाफ गर्दी असल्यामुळे ऑलरेडी डिप्लॉय करण्यात आलेला होता. तिथे उपस्थित स्टाफला मैताच्या नातेवाईकांनी सांगितलं की ह्याने आमच्या एका मित्राला ढकलून दिलेला आहे आणि हा आरोपी आहे याने याला ढकलून दिलेला आहे म्हणून ते त्याला मारत होते. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आणि खरंच असा काही प्रकार घडलेला आहे का म्हणून संबंधित रेल्वे स्टेशनच्या RPFच्या स्टाफला तिथे पाठवून खात्री केली तर तिथे एक इस्माची बॉडी आपल्याला दिसून आली. त्यानंतर आम्ही GRP RPFचा पूर्ण स्टाफ आमचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी जाऊन सदर घटनेची खात्री केली आणि मृतकाची ओळख पटवली. तर फिर्यादीच्या सांगण्यानुसार त्याचा जो मित्र होता त्याचीच ती डेड बॉडी असल्याचे कन्फर्म झाले. तसेच त्याचे भाऊ सुद्धा या उर्षासाठी आले होते त्यांच्याकडनं देखील मृतकाची ओळख पटवली. तर मी या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मी आपल्याला आपल्यामार्फत एक संदेश देऊ इच्छिते की रेल्वे प्रवास हा सर्वांसाठी सोयीस्कर सुखकर असणारा प्रवास आहे परंतु त्यामध्ये अशा सणवाराच्या वेळेला खूप सारी गर्दी होते त्यामुळे त्या ठिकाणी गर्दी झाल्यामुळे किरकोळ छोट्या कारणावरून एवढे वाद वाढवू नये की एखाद्याच्या जीवावर ते बेतू शकतं. आणि पोलिसांचा जो हेल्पलाईन नंबर आहे 1512 आणि रेल्वेचा नंबर आहे 139 यावरती आपण तत्काळ संपर्क करावा. आम्ही GRP पोलीस आणि RPF पोलीस आपल्यासोबत कायम आपल्या मदतीसाठी सतर्क आहोत. धन्यवाद. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है. पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है. आजाद ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है. उन्होंने सोनिया गांधी को 5 पेज की लंबी चिट्ठी लिखी है. आजाद ने चिट्ठी में लिखा कि मैंने भारी मन से कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है. आजाद ने लिखा, बहुत खेद के साथ मैंने कांग्रेस से अपना सालों पुराना रिश्ता संबंध तोड़ने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी चलाने वाली मंडली के संरक्षण में इच्छा शक्ति और क्षमता खो दी है. भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नेतृत्व को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी. आजाद ने चिट्ठी में लिखा है कि संगठन के किसी भी स्तर पर किसी भी स्थान पर चुनाव नहीं हुए हैं. कांग्रेस के चुने हुए लेफ्टिनेंट्स को पार्टी चलाने वाली मंडली द्वारा तैयार की गई सूचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया है. पार्टी पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने के लिए नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है. आजाद ने कहा कि कांग्रेस में कमजोरियों के बारे में बताने वाले 23 नेताओं को गाली दी गई, उन्हें अपमानित और बदनाम किया गया. कांग्रेस में स्थिति उस स्तर तक पहुंच गई है जहां पर वापसी नहीं हो सकती. पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए प्रॉक्सी का सहारा लिया जा रहा है. जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय भिसेवाड़ी केंद्र वैजापुर के लासुर गांव में पोला पर्व के अवसर पर सरजा राजा को फल खिलाए गए. पोला पर्व की पूरी जानकारी गांव के बुजुर्ग ने छात्रों को दी. इसमें गांव के किसानों और शिक्षकों ने भी भाग लिया. 2 दिवस पोळ्याच्या अगोदर त्यांना कामाला धरले जात नाही. बर धुवून धावून स्वच्छ करतात, खांदे बिंदे सगळे व्यवस्थित. आणि पोळा झाल्यानंतर 2 दिवस अजिबात त्यांना कामाला लावित नाही. 2 दिवस नंतर 2 दिवस अगोदर. अच्छा. कारण की बैल हा शेतकऱ्याची लक्ष्मी आहे. अच्छा. जसं तुम्ही ट्रॅक्टरला गाडीला लक्ष्मी मानत्या तशी शेतकरी बैलाला लक्ष्मी मानत. बरोबर. बर. पोळा हा बैलाचा सगळ्यात मोठा सण आहे आणि शेतकऱ्याचं बैलावर सगळं जीवन आहे. दुसरी गोष्ट हे पोळ्याच्या दिवशी आणि आदल्या 1 दिवस अगोदर बैलाला कामाला आम्ही धरीत नाही. त्याच्यानंतर त्यांना धुवून त्यांची खांद्याची हे करतो, मळणी करतो. त्याच्यानंतर पोळा साजरा केल्यानंतर दाराच्या तोंडी त्यांना ते ओवाळून पुरणपोळीचा नैवेद्य खाऊ घालतो व 2 दिवस कुठल्याही कामाला हाकलीत नाही. त्या पोळ्याच्या दिवशी त्यांच्या गळ्यामध्ये घागरमाळ घातल्या जाती. याला घागरमाळ म्हणतात, एक गेठा म्हणतात आणि हे मोरकी
असे हे सनग बैलाला घातल्या जातात. दुसरी गोष्ट फुगे बांधून हिंगूळ लावल्या जातो आणि असा सण साजरा आम्ही शेतकरी करतो. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.